अगला भूचाल आपकी टीम से कौन आ रहा है? आदि भाई, अब जो मेरी टीम से आ रहा है वो है मेरी कुर्सी को बचाने वाला, मेरा दावेदार राजा बेटा मणि, और वो एक स्पेशल एंट्री लेगा, तो जरा देखिए आप। अरे वाह, मणि यार आज जो ये नए अवतार में तुम आए हो, बहुत ही प्यारे लग रहे हो, ये इसका क्या राज है? ये आज मैं इसलिए पहन के आया हूँ कि आज हमारे शो में मेहमान बहुत आए हैं और मैं वैसे पंजाबी गाना गाने वाला हूँ। क्या बात है, इसलिए पंजाबी सूट पहन के। तो ये मेरी मम्मा ने सिल कर दिए ताकि मैं और अच्छा दिखूँ। हाय हाय, बहुत अच्छा दिख रहे हैं। तुम तो वैसे भी हमेशा बहुत अच्छे दिखते हो, और सबसे अच्छी तुम्हारी क्या बात है मालूम है ना, तुम्हारी ये प्यारी सी स्माइल जो हमेशा तुम्हारे चेहरे पर रहती है। थैंक यू मैम। शादा भी मणि के लिए एक बार जोरदार ताली। ये संगीत जो इसके दिल से फूटता है वो वहां से है। मैं तो विक्रम से इल्तिजा करूंगा कि इस बच्चे की जिंदगी पे एक हमें फिल्म बनानी चाहिए, उसका टाइटल होना चाहिए माँ ने कहा। ख्वाबों को सजाए तू, आँखों में बसाए तू, तुझको मैं दू सब जो चाहे तू। जो बच्चा माँ की खामोशी सुनता है उसकी जिंदगी पे फिल्म बनानी चाहिए। क्या बेटा परमिशन देगा तू? आपने बोल दिया तो उसके आगे किसकी परमिशन चलती है? क्या बात है, परमिशन देंगे आप? सील साइन डिलीवर्ड इन फ्रंट ऑफ द नेशन। हो गया जी सर। थैंक यू। हमारे मरहूम दिलीप कुमार साहब ने एक बात कही थी जो मैं यहाँ पर मुल्क के सामने आप लोगों के सामने दोहराना चाहूँगा। तो एक इवेंट पे हम मिले थे दिलीप साहब से, तो वहाँ पर जो ऑर्गेनाइज़र था वो बहुत ही लायक नौजवान था, मगर इतना भी लायक नहीं था कि दिलीप साहब इतनी तारीफ़ करें उनकी। तो मैंने दिलीप साहब से कहा कि दिलीप साहब आप इतनी तारीफ़ क्यों कर रहे थे? तो उसने कहा बेटा मेरी बात समझ लो, जब माँ की तारीफ करनी होती है ना तो बेटे की तारीफ करो, माँ का पेट अपने आप भर जाता है। क्या बात। तो ये जो गले हम लग रहे हैं, ये तारीफ जो मणि की हो रही है, ये आपकी तारीफ हो रही है।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.